अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, फ्रेडी फिगर्स नामी ये नौजवान अभी पैदा ही हुआ था कि इसके असल वालदैन ने इसे नामालूम वजूहात की वजह से कूड़ेदान के करीब फेंक दिया। आज यही बच्चा बड़ा होकर टेक्नोलॉजी का माहिर और करोड़पति बन चुका है। बीबीसी के मुताबिक फ्रेडी फिगर्स नामी इस नौजवान के असासों की मालियत 6,20,00,000 से बढ़ चुकी है। फ्रेडी फिगर्स अपने सौतेले वालदैन का अब तक शुक्रगुजार है जिन्होंने इसे कूड़े से उठाकर अपनी औलाद से ज्यादा प्यार से पाला और हर वो चीज देने की कोशिश की जो इनके बस में थी। फ्रेडी फिगर्स के सौतेले वालद नीथन की उम्र 74 साल और इसकी वालदा बेटी मैं की उम्र 66 साल थी जब उन्होंने इसे गोद लिया। इस अमरीकी नौजवान ने बीबीसी को इंटरव्यू में बताया कि क्लास फेलोज और स्कूल के साथी मेरा माजी याद दिलाते हुए मेरा मजाक उड़ाते थे। इस बात का मेरे सौतेले वालद को पता चला तो उन्होंने बस स्टॉप पर आना शुरू कर दिया ताकि मेरी हिफाजत कर सकें। फ्रेडी फिगर्स ने कहा कि मुझे शुरू से ही कंप्यूटर का शौक था लेकिन इस दौर में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। लेकिन एक मर्तबा मेरे वालद एक खराब कंप्यूटर मेरे लिए ले आए जिसे मैंने सख्त मेहनत से दोबारा ठीक कर दिया। फ्रेडी ने कहा कि यही वो लम्हा था जब मुझे पता चल गया कि मुझे मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। फ्रेडी ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर कोडिंग सीखी। 12 साल की उम्र में इन्हें पहली नौकरी मिली। 15 साल की उम्र में वो जिली इंतजामिया के लिए काम कर रहे थे। फ्रेडी जब 17 साल के हुए इनके वालद अल्जाइमर में मुबतला हो गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आपको बताते चलें कि अल्जाइमर एक किस्म की बीमारी है जिसमें इंसान अपनी याददाश्त और सोचने की सलाहियत खो बैठता है और वक्त के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। उनके वालद अक्सर घर से बाहर निकल जाया करते थे। फ्रेडी को खदशा पैदा हुआ कि इसके वालद कहीं गुम ना हो जाएं। इसलिए इसने इनके जूतों के लिए ऐसी डिवाइस तैयार की जिससे इनकी लोकेशन का पता चल जाता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कुछ साल बाद ही फ्रेडी की बनाई हुई ये टेक्नोलॉजी 20,00,000 से ज्यादा डॉलर्स में फरोख्त हुई। बाद अज़ां फ्रेडी ने अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी बनाई। आज इनकी कंपनी की मालियत करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपने फ्रेडी फिगर्स की ज़िंदगी से क्या सबक सीखा? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।